बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज श्री जियावर धाम तीनो पुरी धा बोल बोल पंजे श्री समस्त सुंदर सा प्रथम लागू दो चरण को धनियना छोड़ा ला लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के ही जीवन इना पाँ तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बात निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्वशोभा देने योग्य हो श्री प्राणनाथ प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी ना लाडला एवं प्यारा सुंदर साजी तमा श्री चरणोनी अंदर मारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम धार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले प्यारे सुंदर शाह जी कल के प्रसंग में हमने अतीत में बीती हुई घटनाक्रम को देखा जिसमें मैंने बताया कि सुंदर शाह जी के 400 साल पहले स्वयं धामदनी के आवेश शक्ति के साथ जो हमारी लीला घटित तो हुई पांचवें दिन में धामदनी ने मिराज ठाकुर के तन में आवेश शक्ति के साथ छोतर साल में दो मास और दस दिन कम रहे हुई लीला विक्रम सन सत्रह इक्यावन तृतीया चतुर्थी और पंचमी के दिन जी दरबार में झूले पर धाम धनी के नूरी स्वरूप को विराजमान किया और उसके बाद अथ ओहम शब्दों के बारे में भी स्पष्टीकरण किया और उसके बाद तीन स्वरूप कौन कौन सा है और किस किस टाइम पे तीनों स्वरूप की लीला हुई और उसके बाद चारों युगों के राजाओं का वर्णन सुनाम ने और अंतिम में बताया महामती के धाम दिल में बैठकर धाम धनी ने के महामती कहे साथ जी, कहे यो कर आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित धर महामती के शब्दों में लालदास जी महाराज बता रहे कि हे धार सुंदर जी, ऐसी भविष्यवाणी ऐसी आगम वाणी पहले से शास्त्रों में की गई थी किस रूप में जो हमने कल देखा के चारों युगों के इतने इतने राजाओं का वर्णन भी हमने सुना और इतने इतने राजाओं राज्य कर लेंगे अंतिम में औरंगजेब बादशाह का जब राज्य चलता होगा उसका शासन चलता होगा उस टाइम पे से परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरातीत भूमिका से पार ब्रह्म ब्रह्म अक्षरातीत की आवेश शक्ति इस ब्रह्मांड में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप में लीला करेगी यही भविष्यवाणी की बातें हमने कल सुनी और आगे लालदास महाराज बता रहे कि सुंदर शाह जी आगे अपनी बीतक किस बीतक की बात कर रहे हैं अपनी बीतक जिसके बारे में मैं कल बताया ने कि चर्चा किसको कहते हैं और कथा किसको कहते हैं चर्चा में हमारी दिल की आत्म की आत्म की आपले होती है तो वही बात पर आज हम आगे बढ़ेंगे जो अनाद काल से पार ब्रह्म अक्षरातीत के साथ हम अंग रूप आत्माओं की जो लीला पहले से होती रही है अभी वर्तमान में भी हो रही है और काल तक वो लीला होती रहेगी सुन्दरसाद जी ऐसे अक्षरातीत श्री पार ब्रह्म श्री पूर्ण ब्रह्म धाम धनी हमको ब्रज में ब्र, ब्रज के ब्रह्मांड में उसके बाद रास के ब्रह्मांड में उसके बाद तीसरे जागणी के ब्रह्मांड में उतारेंगे इस मायावी खेल को देखने के लिए इससे पहले हम तीनों ब्रह्मांड बनेंगे उससे पहले हम सृष्टि रचना कैसे हुई जस जब हमने कल अंतिम में वर्णन सुना कि यह सृष्टि कैसे बनी क्यों बनी और उस सृष्टि में जो हम आए तो क्यों आना हुआ तो उस सृष्टि की रचना के बारे में हम पहले सुनेंगे कि यह सृष्टि जैसे पाताल से लेकर नारायण तक जिसको बोलते हैं क्षर ब्रह्मांड क्या बोलते हैं क्षर ब्रह्मांड उसके परे बेहद जिसको बोलते अक्षर योग माया ब्रह्मांड उसके परे स्वलीला अद्वैत जिसको बोलते परम धाम क्षर अक्षर और अक्षरा तीत जिसको दिव्य परम धाम बोलते हैं उसका प्रमाण सुंदर जी धाम धनी प्राणनाथ जी ने वाणी में भी दिया कि हद पार बेहद है बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागिए इन घर यही प्रमाण तारतम वाणी में और अलग जगह भी दिया के हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार रहो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार तो हमने अभी सुना के अगम पार अपार पार जहाँ है तेरो करार हमारा करार कहाँ है हमारी शांति कहाँ है धामदनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राणनाथ के चरणों में है जहां हमारा प्रेम आनंद और शांति यही प्रमाण धर्म शास्त्रों में भी दिया के नान्य प्रंथा ये विद्युत नाय एक ही पार ब्रह्म के चरणों में आप चले जाओ क्योंकि यही पार ब्रह्म के चरणों में आपको प्रेम आनंद और शांति मिलेगी लेकिन उससे पहले हम अक्षर सर ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई उसके बाद अक्षर बेहद और उसके बाद दिव्य परम धाम में पहुँचेंगे और उसके बाद ये दिव्य लीला परमधाम स्वलीला अद्वैत भूमिका कैसी है वहाँ क्या लीला हो रही है और कैसी हो रही है उसकी लीला उसकी शोभा उसका सौंदर्य उसका आनंद वहाँ का प्रेम ए, सब के बारे में हम आगे सुनेंगे और इसके बाद हम इस रबद और इसके बाद इस करबद के बाद अक्षर और शयन अक्षर और शयन दोनों को जो देखने की इच्छा हुई ने किसको दोनों को आदि और अनादि फल जो बात बताई ना उसमें तो अक्षर को प्रेम और आनंद की लीला देखने की इच्छा हुई और सयन को क्या इच्छा हुई ये मायावी सयन कौन है हम सब है तो हमको क्या इच्छा हुई ये मायावी जिस खेल में हम आज बैठे हैं ये मायावी खेल देखने की इच्छा हुई तो इससे पहले सुंदर शाद जी हम ये नश्वर ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई उसके बारे में हम पहले जानेंगे तो जो आज हम ये ये माया का ब्रह्मांड ये भौतिक नेत्रों से जो हम देख रहे हैं द्वैत माया का ब्रह्मांड उसमें दो भाव है कितने भाव है दो भाव यहां माया और जीव की लीला होती है किसकी लीला होती है यहां माया और जीव की लीला होती है और उसके परे अद्वैत जहां वहां एक अद्वैत तत्व, जहाँ एक कृष्ण तत्व एक अक्षर ब्रह्म का नूर क्रीडा कर रहा है कहा योग माया ब्रह्मांड में और उसके परे अक्षर ब्रह्म में यो ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म का नूर तत्व क्रीडा कर रहा है और ये अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति योग माया के साथ लीला में मग्न है उसके बाद स्वलीला अद्वैत भूमिका में सत चिद और आनंद की लीला हो रही है वहां सचिदा नंदमय लीला हो रही है वहां का एक एक कण सचिदा नंदमय है वहाँ का एक एक कण प्रेममय है आनंदमय है चिदमय है और सत सत्य और आनंदमय है तो सुंदर साथ जी हम पहले ये ब्रह्मांड की रचना को देखेंगे तो ये ब्रह्मांड कैसे बना उसके बारे में हम आगे बढ़े तो ये ब्रह्मांड सबसे प्रथम एक अक्षरातीत त्रह्म पूर्ण ब्रह्म जिसको हम लाडले नाम से श्री जी के नाम से जानते हैं जी के दिल की इच्छा जी के दिल की इच्छा तो उसमें हम पहले महाकारण भी ले लेंगे उसके बाद दो कारण भी लेंगे तो राज्य के दिल में इच्छा उत्पन्न हुई ऐसे एक स्वाभाविक परम धाम में इच्छा शब्द कोई है नहीं सुंदर शाह जी परम धाम में कोई इच्छा नाम की चीज नहीं है लेकिन जैसे एक बात को हम सुंदर शाह जी समझेंगे कि जैसे कोई कार्य दृष्टिगोचर हमारी नेत्र के सामने हमारा नेत्र के सामने जैसे कोई कार्य दृष्टि गोचर होता है वो कार्य के पीछे वो कार्य के पीछे कोई कारण अवश्य छिपा हुआ होता है उसको बोलते हैं कारण और कारणों का भी कारण है उसको बोलते हैं महा तो महाकारण किसको कहते हैं और उसके दो कारण बने दो कारण हुआ वो किसको कहते हैं पहले हम महाकारण को जान ले सुंदर साहद जी तो राज्य के दिल में एक इच्छा हुई स्वाभाविक इच्छा हुई जब वो इच्छा हुई तो बाहर आई तो बाहर आई तो सुंदर सा जी आदेश वो बन गई क्या बन गई आदेश हुक्म बन गई तो पूरा परम धाम एक रस ने पूरा परम धाम वाह दत्तमय है एक दिली है तो पूरा परम धाम में वो इच्छा फैल गई क्या हुआ पूरा परम धाम में वो इच्छा फैल गई तो राज्य महाराज के दिल की इच्छा उसके बाद वो परम धाम में फैली तो अक्षर राज्जी के अंग श्यामा जी श्यामा जी के और में। कितने स्वरूप अद्वैत में है पांच स्वरूप राजी श्यामा जी सखिया अक्षर और महालक्ष्मी तो पांचो मिल भाई एक, एक रूप हो गए अद्वैत में तो पूरा परमधाम में वो बात प्रसर चुकी पांचों बिल पूरे अद्वैत एक स्वरूप ने तो प्राणाधार सुंदर साधजी उसके बाद अक्षर ने भी देखा कहा देखा कि तीसरी बोम की मंजिल में तब तक नहीं देखा था कि तीसरी बोम में क्या लीला हो रही है राज्य और सखियों के बीच में और पहले किसके दिल में आई राज्य के दिल में आई किसके दिल में आई पहले लई हक के दिल में ताप पीछे आए माहे नूर और उसके बाद किसके दिल में आई अक्षर के दिल में ताप पीछे आदि रोहन में उसके बाद श्यामा जी और सखियों के दिल में ये बात आ गई तो तब तक जब तक राज्य ने दिल में इच्छा नहीं की तब तक नहीं अक्षर के दिल में बात आई नहीं श्यामा जी के दिल में आई नहीं सख्यो के दिल में आई और जैसे बाहर आदेश बन के हुक्म बन के फैल गई तो अक्षर ने तीसरी बोम जैसे हमारे परम धाम के 25 पक्ष कितने पक्ष परम धाम के 25 पक्ष इसमें मध्य में, में रंग महल जो पहला पक्ष उसकी कितनी मंजिलें हैं भोम और दसवीं आकाशी तो एक बम ऊंचे चबूतरे पर जैसे सीढ़िया लगी है ने सो सीड़िया और बीस चांदे चढ़कर हम ऊपर जाएंगे तो धाम चौक और धाम चबूतरे और धाम दरवाजा अंदर प्रवेश करें दो अट्ठावी स्तंभ का चौक और आगे क्या आएगी चार चौरस हवेली तो ऐसी प्रथम भोम दूसरी भोम और तीसरी भोम में आगे जो परसाल जिसको बोलते हैं झरुखा जरोखे बोलते हैं तो जरोखे में रोज सुबह को साढ़ा सात से नौ बजे के बीच में रोज प्रेममय आनंदमय लीला होती है किस-किस के बीच में के बीच में और राज जी और श्यामा जी रोज ये नीरत को निहारते हैं और सुंदर जी कई बार नवरंग बाई की बारी होती है अलग अलग सखिया की रोज बारी होती है जब जिस दिन हम इस खेल में आए ने तब किसकी बारी थी नवरंग बाई की बारी थी तो कभी भी कभी भी अक्षर ने ये अक्षरातीत के साथ इतनी दुहे लीला कर रही है बार हजार प्रेममय और आनंदमय ये रंग मोहल में ये अक्षर को पता नहीं था जिस दिन राज्य ने दिल में लिया ने राज्य ने दिल में लिया ने तभी अक्षर रोज चांदनी चौक में रोज साढ़े सात से नौ बजे के बीच में क्या अमृत वन के बीच में जो चांदनी चौक है ने हमारा खुला आंगन रंगमोल के सामने पूर्व के दिशा पूर्व दिशा में तो वहां रोज तीसरी बम की मंजिल में धाम धनी जरुखे के जो पूरी कठेरे बने हैं कठेरे में इधर ऐसे सिंहासन में ऐसे ही मुंह मोड़कर दर्शन देते थे लेकिन सखियों को कभी नहीं बताया था कि नीचे मेरी ही सत्ता के स्वरूप है तो एक, है? एक, स्वरूप एक लीला कितनी दो प्रकार की करते हैं दो प्रकार की स्वरूप एक लीला दो स्वरूप एक लीला दो दो प्रकार की लीला करते हैं लेकिन कभी भी नहीं बताया था कि मेरे सत्ता के स्वरूप है लेकिन बाल जैसे बालक लीला करते ने ऐसी एक खेल बनाने की और मिटाने की लीला करते बताया नहीं था जी ने दिल में लिया तब अक्षर की दृष्टि जरोखे में तीसरी बोम की परसाल में पड़ी और उसने देख लिया कि अरे यहां तो क्या और सक्या अक्षरातीत के सिवा और कोई स्वरूप भी यहाँ है क्या परमधाम में अभी तक तो अक्षरातीत ने उसके बारे में कभी भी बताया नहीं है तो उसके दिल में भी ये बात आ गई उसके बाद कभी भी सखियों ने भी नीचे और नहीं देखा था कि राज्य के, के सिवा और पुरुष भी और पर पुरुष भी परमधाम में रहते हैं तभी सखियों की नजर भी नीचे चांदनी चौक में पड़ गई और उसने तत्काल राजी को पूछा कि धनी ये कौन है ये कौन है तब राज्य बताया कि ये जानना योग्य नहीं है तभी और अंदर से पैदा हुई और जानने की इच्छा हुई कि नहीं हमको बताओ कि कौन है बार बार चाह करने से राज्य ने बताया कि मेरी सत्ता का स्वरूप है हम एक ही स्वरूप और बालक जैसी कई पल में एक पल में कई करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं प्रलय कर देते हैं जब बहुत बार बार चाह की तो धाम धनी ने सुंदर जी सखियों के दिल में भी ये इच्छा रख दी अंदर सुंदर जी और उसके बाद श्यामा जी के दिल में भी पहले आई और उसके बाद रूहों के दिल में भी ये इच्छा आ गई तो पहले महाकारण क्या हुआ राज्य के दिल की स्वाभाविक इच्छा और उसके बाद दो कारण क्या हुआ अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहियो अक्षर को अक्षरा के माहौल में प्रेम बरतत सो सुद अक्षर को नहीं जो किनविद खेल करत ये प्रेम और आनंद की लीला देखने की और सखियों को मायावी आदि व्याधि और दुख से भरे हुए खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई और खिलवत में बताया सुंदर कि एक पातशाही अरस की एक पातशाही अरस की और वाह का ये ने सब रूहों को दिल में लिया हक क्या दिल में लिया एक पातशाही अरस की क्या पातशाही हमारी थी सुंदर साथ जी आज हम किस दुख में ऐसा तो दुख धनी नहीं दे रहे दुख दिखा रहे क्या कर रहे राज जी हमने क्या मान लिया सुंदर शाह जी दुख दुख दे रहे दुख दे नहीं रहे सिर्फ बता रहे क्या कर रहे ये दुख रूप माया है लेकिन हमने क्या कर लिया पकड़ लिया उसको क्या कर लिया माया को पकड़ लिया ने माया में दुख देखने के लिए सुंदर जी इस खेल में हम आए थे और दुख देखने के बदले हम खेल खेलने लगे ने तो जो खेल खेलेंगे तो हमको ठोकर लगेगी या नहीं लगेगी लगेगी ना सुंदर साहद जी जैसे मैच में कई खिलाड़ी खेल खेलते हैं ना मैच में सचिन हो या द्रविड़ या जो भी हो धोनी हो जो भी हो तो खेलते और आप सोफा पर अपने घर में कमरे में अपने कक्ष में आप बैठे बैठे यह खेल को देखते हैं ना मैच को तो वहां सचिन बोट या बेल सब बोल सब लेकर खेल रहे तो जो बोल जो खेल रहे उसको लगेगा या आप घर में अपने कक्ष में बैठे हो तो आपको लगेगा किसको लगेगा जो खेल रहे उसको लगेगा हाँ आप अपने घर में अपने कक्ष में बैठे बैठे टीवी पर्दे पर आप देख रहे हो तो आप ऐसे बस ऐसे हो जाएंगे लेकिन जबक जाएंगे लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी ना आपको चोट नहीं लगेगी लगेगी किसको जो खेल रहे हैं तो हम आज क्या कर रहे हैं सुंदर लिए सिर्फ ये खेल को दृष्टा बनकर देखने के लिए आए थे आज हम क्या कर रहे हैं खेल में खेल रहे सुंदर सात जी तो खेल हमको आज दुख रूप लग रहा है न खेल क्या लग रहा है दुख रूप लग रहा है तो वहां की क्या साहेबी थी हमारी जैसे हमारी अंदर की इच्छा होने इच्छा तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी सुंदर साहद जी बस हमारे दिल में आता ने, बस मन में बात आती ने, तभी चीज तत्काल हाजिर वहां तो मन चाहिए आता था सुंदर सुंदरसाद जी वहां क्या था मन चाहिए जैसे दिल में इच्छा करे चाह करे तब सब चीज हाजिर यहां पता लगा न सुंदर शाह जी के घर से कितना है सुबह से इतनी जल्दी से उठना घर के सब झाड़ू पोछा ऐसे घर परिवार गृहस्थी जीवन का पूरा व्यवहार ये सब कुछ संभालते घर बच्चों का पूरा संभालते संभालते दोपहर हो जाता फिर रसोई बनानी सबको खिलाना बर्तन मांजना सब कुछ खत्म करके फिर ढाई बजे घड़ी की ओर हमारा ध्यान जाता कि चलो तीन बजेंगे हम जल्दी से रिक्शा या बस में स्कूटर में जाना है तो कितनी जल्दी करनी पड़ती है तभी पता लगा ना कि घर क्या था हमारी बादशाही क्या थी और आज किस दुख में किस माया में कितना काम करना पड़ता है और वहां सुंदर शाह जी हमारी तो हमारे पैरों तले तो हमारे पैरों तले ऐसे नंगो हीरे हमारे पैरों तले तो हम कचोड़ते थे ना हम सुंदर शाह जी नीचे रगड़ते थे ना हम और आज एक नाक नंग बेसर केक नंग ले, लेना होता जी सुंदर सा खरीदना होता ने तो पता लगता कि कितने में नंग पड़ता बिक्री सुंदर जी हम खरीदते हैं तो देखो वहां की पातशाही और हमारे वहां परम की सुंदर जी साहेबी को आप सबको पता लग गया है ना वाणी क्या माध्यम से कि वहां के हमारे रंग मोहल में सिर्फ हमारे रंग मोहल में नव बोम और दसवीं आकाशी का जो हमारा घर बना है ऐसा तो परम धाम के पच्चीस पक्ष रंगमोल को छोड़ के चौबीस पक्ष में हमारी कैसी लीला चलती है आनंद और विलास की जो लीला चलती वहां प्रेम मई और यहाँ का जब आप देखेंगे सुंदर साहद जी में रंग मोहल्ले नव भूमिका में तो नौ तो हमारे प्राइवेट कमरे है सुंदर शाह जी शयन के लिए विचार तो कीजिए सुंदर शाह जी आज हम ऐसे पचास बार या सौ बार या ढाई सौ बहुत से बहुत तीन सौ या चार सौ बार के मकान में हमारे एक कमरे प्राइवेट बने तो या बने नहीं तर नहीं तो ये भी नहीं होता सुंदर शाह जी देखो हमारी बादशाही देखो हमारी साहेबी को देखो हो प्रेम और आनंद के घर को छोड़कर आज ऐसे दुखमयी लीला को हम देख रहे लेकिन कोई बात नहीं चलो तब तक तो ठीक है लेकिन परमधाम की वाणी उतर गई और वाणी के माध्यम से हमने यह जान भी लिया कि हमारा असल घर निज घर निज धनी और निज हमारा स्वरूप परम धाम में विराजमान है और हमको सब पता लग गया ने? वहां की साहेबी और पातशाही और वहां के पातशाही का इश्क प्रेम का भी पता लग गया तो भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो भी यहाँ अच्छा लग रहा है ने क्योंकि यहाँ हमको ठीक लग रहा है नहीं अच्छा है चलो ने जाना नहीं है बहुत अच्छा है बस दो घंटे राज्य की चर्चा मिल गई बहुत सुख हुआ बस घर में गए फिर हमारे बिजनेस या घर काम में जीवन में फिर मस्त दो घंटे में बैटरी हमने चार कर ली फिर घर पे गए फिर वही माया में मस्त तो धाम धनी सुंदर सा जी हमको बता रहे कि दोनों को इच्छा हुई सखिया और अक्षर को सुंदर शाह जी तो इस खेल में भेजेंगे कहाँ भेजेंगे इस खेल में भेजेंगे इस खेल में भेजेंगे इससे पहले यह ब्रह्मांड की रचना होती है किसकी रचना होती है अक्षर ब्रह्मांड की उसका प्रमाण मैंने अभी तारतम वाणी के माध्यम से आपको दे दिया एक मैं और प्रमाण गीता का प्रमाण देती हूँ श्रीमद भगवत गीता में भी प्रमाण दिया के द्राविमो पुरुष लोके द्राविमो पुरुष लोग के श्रीमद भगवत गीता के में पुरुषोत्तम योग के सोलहवे नंबर के श्लोक में प्रमाण दिया के क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानी अक्षर उच्यते क्या बताया में पुरुषोत्तम योग में सोलवे नंबर के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि है अर्जुन दो पुरुषों की बात की एक पुरुष एक शर, जो जिस ब्रह्मांड में आज हम रह रहे जिस ब्रह्मांड में आज हम रह रहे हैं यहाँ मृत्यु लोक में ये मृत्युलोक अंतर्गत चौदह लोक है कितने ये चौदह लोक एक ब्रह्मांड के अंतर्गत चौदह लोक है तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे सुंदर साथ जी हो योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने दो पुरुषों के बारे में और उसके आगे तीसरे पुरुष के बारे में बताया कि एक पुरुष एक नासवन स्वप्नमय क्षणभंग ऐसे मुक्त मुर तृष्णा के जल समान बताया है इस ब्रह्मांड को परिवर्तनशील क्योंकि यहाँ जितनी चीजें बनती है उसका एक दिन अवश्य नाश होने वाला ही है जितना नाम धारण किया जितने पदार्थ ने जितना नाम धारण किया जितने पदार्थों ने वो एक दिन नाश होने वाला अवश्य ही है तो ये ब्रह्मांड को क्या कहा क्षर नाशवंत और उसके परे योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया हे अर्जुन एक क्षर इनसे परे और एक दूसरा पुरुष है उसको बोलते हैं अक्षर अक्षर को कुटस्थ अविनाशी अखंड और चेतन पुरुष बोला है और उसके परे जो तीसरा पुरुष है योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन उसके परे उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदायते क्या बोला उत्तम पुरुष तो अन्या परमात्मा उदायते क्योंकि इतना इसलिए बताया कि आज योगेश्वर श्री कृष्ण जिसने अर्जुन को गीता का संदेश दिया आज से पांच हजार वर्ष पहले क्या कुरुक्षेत्र में आज गीता के पाठ करने वाले कई स्वाध्याय भाई बहन भी ये गीता का रोज नित्य पाठ करते हैं उसमें वो भी समझ रहे हैं कि भाई क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात कहाँ तक की है लेकिन ये तारतम वाणी ये ब्रह्म वाणी आज मैं भेद भी साथ साथ में बताने जा रही हूं कि कुलजम वाणी जब तक इस ब्रह्मांड में नहीं आई थी तब तक उसका गुज मायना उसका भेद उसका रहस्य किसी ने नहीं खोल के बताया था क्योंकि ये उसका भेद खोलने की चावी ये कुंजी ये वाणी के अंदर उसका भेद खोलने की चावी थी सुंदर साथ जी क्या तो अर्जुन ने ये दो पुरुष और तीसरे पुरुष उत्तम पुरुष की बात की योगेश्वर ने लेकिन उसका भेद हो नहीं समझ पा रहे क्योंकि एक जगह योगेश्वर ने बोला के सर्वान धर्मान परित्यज मामे क्षण हे अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर मेरे चरण में आ जा और एक एक की ओर बोल रहे हैं कि अर्जुन बहुनानी व्यतानी अनेक जनमानी तब चार्जुन हे अर्जुन तेरे जैसे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं जिसको तेरे को पता नहीं है उसके बारे में ये मेरे को पता है तो अर्जुन को अंदर से संशय हुआ कि क्या कहने चाहते हैं ये क्या कहना चाहते हैं एक की ओर बोलते हैं कि सब धर्म पंथ को सब मत पंथों को छोड़कर मेरे चरण में आ जा और एक की ओर बोल रहे हैं कि मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं जिसको तेरे को पता नहीं ये मेरे को पता है तो मैं तो वही योगेश्वर सी को को ही पार ब्रह्म मान रहा हूं मेरे को तो मुक्ति चाहिए अर्जुन को क्या चाहिए थी मुक्ति तभी जाके बोला कि हे योगेश्वर हे भगवान मेरे को मुक्ति चाहिए तभी बोला तो अर्जुन मुक्ति मैं नहीं दिला सकूंगा आपको क्योंकि मैं तो एक कृष्ण हूँ विष्णु के अवतार में बार-बार जब सृष्टि का प्रारंभ होता तो सतयुग से लेकर अंतिम कलयुग तक 24 बार अवतार आते और जाते हैं मैं भी अनेक बार जन्म लेता हूँ अवतारों के रूप में महापुरुष और भगवान के रूप में और बार बार लीला पूर्ण करके समाप्त करके जाता हूं मैं भी अनेक बार जन्म रहा हूं और मर रहा हूं तो मैं मुक्ति नहीं दिला सकूंगा आपको मुक्ति चाहिए तो अक्षर अक्षर से परे जो अक्षरातीत उत्तम पुरुष है उसके चरणों में जा तभी बताया कि पुरुष पर पार्थ भक्त तु लभस्तु तू क्या बताया हे पार्थ हे अर्जुन जो नौ प्रकार की भक्ति से समझ रहे कि नौ प्रकार की भक्ति श्रवण कीर्तन समरण दास्य साख्य बंदनम आत्मनिवदनम पाद सेवनम यह भक्ति से परमात्मा मिलने वाला नहीं है उससे परे जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो भक्ति जिसके बराबरी अन्य बताने लभ्यस्तु अनन्य उसके बराबरी कोई भक्ति नहीं है वो प्रेम लक्षणा भक्ति से तेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी मैं तेरे को मुक्ति नहीं दिला सकूंगा तभी अर्जुन ने अर्जुन के अंदर जो संशय बने हुए थे तभी उसको पता लगा पुरुषोत्तम योग में कि ये तो योगेश्वर श्री कृष्ण है ये मेरे को मुक्ति नहीं देंगे सुंदर जी तो उस बात पर हम यही समझ लेंगे कि संसार के सभी जीव, सभी जीव वाले नारायण से आगे तो कोई नहीं पाए और नारायण से जो सृष्टि रचना होगी और नारायण के बाद सुंदर साथ जी ये नीचे से साई और ब्रह्मा विष्णु महेश तो सब एक नारायण के अंतर्गत एक ब्रह्मांड में आ जाते हैं तो नारायण कैसे बने और नारायण के संकल्प से ये सृष्टि कैसे बनी उसके बारे में हम अंदर एक गहन बात परम आगे स्पष्टीकरण करेंगे सुंदर जी तो ये योगेश्वर श्री कृष्ण जी भी सुंदर साथ जी अर्जुन को मुक्ति नहीं दे पाए उसने पार ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ प्राणवल्लभ दिव्य ब्रह्मपुर धाम की ओर निर्देशन किया किसने श्री कृष्ण ने तो ये सृष्टि कैसे बनी तो अक्षरातीत पार ब्रह्म का आदेश अभी मैंने महाकारण बताया ने उसका हुक्म जब बाहर आया तो मैंने अभी बोला कि वो आदेश बनकर अक्षर के दिल में आया ना अभी तो अक्षर के दिल में अक्षर ने अपना संकल्प लिया क्या लिया अपना संकल्प लिया क्योंकि वहां से मैं पहले पूरा स्पष्टीकरण दिव्य परमधाम का कर दू जैसे परमधाम 25 पक्षों में बना है कितने पक्षों में पहले पक्ष में रंग मोहल अभी मैंने बताया ने उसके एग्जेक्ट सामने दूसरी परिक्रमा में अक्षरधाम आया है क्या आया है अक्षर धाम आया है, तो अक्षर धाम जो आया है, वहां अक्षर का मूल स्वरूप विराजमान है क्या स्वरूप विराजमान है? स्वरूप लेकिन वहां से सृष्टि बनाने का और प्रलय करने का मिटाने का कार्य वहां से नहीं होता है वहां सिर्फ अक्षर मन में संकल्प करता है क्या करता है संकल्प करता है बनाने का और मिटाने का कार्य तो अक्सर के जो चार पाद है नीचे से, से आगे हम ले गए तो व्याकृत ब्रह्म, ब्रह्म, केवल ब्रह्म और ब्रह्म जो चार पादों से उसकी बनाने की और मिटाने की जो क्रिया है वो चौथे पाद अव्याकृत ब्रह्म से क्रियान्वित होती है तो अक्सर ब्रह्म दूसरी भूमिका में अक्षर दाम में अपना मूल स्वरूप विराजमान है तो वहां तो स्वरूप एक लीला दो मैंने अभी बताया ने, तो वहां बनाने की मिटाने की लीला नहीं होती तो वहां सिर्फ संकल्प लिया फिर हम प्रगटवाणी की चौपाई को देखेंगे तो निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जा की इच्छा मूल प्रकृत नैन के पावे पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत तो ये सृष्टि का मूल कारण कहां है सुंदर साथ जी स्वरूप के अंदर सत स्वरूप को मूल प्रकृति किया कहा गया क्या कहा गया स्वरूप को मूल प्रकृति तो स्वरूप उसके अहंकार का स्वरूप केवल ब्रह्म उसके आनंद का स्वरूप बुद्धि का स्वरूप उसके बाद सबलिक चित्त का स्वरूप और अव्याकृत मन का स्वरूप तो मूल प्रकृति में वो बात आई लेकिन वहां से व्यक्त नहीं हो पाई वहां से सृष्टि रचना का क्रम आगे नहीं बढ़ा और उसके बाद केवल ब्रह्मा आते हैं क्या आते ऊपर से लो तो परम धाम छोड़ेंगे परम धाम छोड़ेंगे तो पहले सत्यवरूप आएगा क्या आएगा तो सत स्वरूप मूल प्रकृति है मूल प्रकृति इसको कहते हैं सुंदर साथ जी की अक्सर के दिल में अक्सर के दिल में जो खेल बनाने की ये पल में करोड़ों ब्रह्मांड जैसे हम एक ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के अंतर्गत ये मृत्यु लोक में रहते हैं ना हम सब ऐसे अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं पल में एक पल के चौथा हिस्से में तो ऐसे सुंदर साथ जी अक्सर ब्रह्म के दिल में ये सृष्टि एक खेल बनाने की जो इच्छा उत्पन्न हुई वो इच्छा को मूल प्रकृति कहते क्या कहते हैं मूल प्रकृति कहते हैं तो वहां ये सृष्टि रचना का क्रम आगे नहीं बढ़ा उसके बाद केवल ब्रमाए तो केवल का आनंद उसके बाद सबलिक का चिद क्या सबलिक का चिद और केवल का आनंद तो चिदानंद तो चिदानंद सुंदर साध जी सबली के सूक्ष्म में जो चिदानंद का स्थान है वहां से भी सृष्टि रचना का क्रम आगे नहीं बढ़ा वहां अव्यक्त तो ही रहा और उसके बाद अव्याकृत का महाकारण और सबली का स्थूल अव्याकृत का महाकारण और सबली का स्थूल तो ये सुमंगला पुरुष कहते उसको क्या कहते हैं सुमंगला पुरुष तो वो शक्ति कहां से आई राज्य के दिल की इच्छा अक्सर के मन का संकल्प सच स्वरूप से मूल प्रकृति चिदानंद अव्यक्त स्वरूप उसके बाद सबली के स्थूल और के महा में सुमंगला पुरुष वहां से भी व्यक्त नहीं हो पाई और उसका स्थूल रूप कौन है तो के उसका स्थूल रूप अव्याकृत के स्थूल में अव्याकृत के स्थूल में रोदिनी शक्ति और प्रणवा ब्रह्म रोदिनी शक्ति और प्रणवा ब्रह्म अव्याकृत में वो शक्ति आ गई वो चैतन्य आ गया लेकिन अभी सृष्टि बनी नहीं है सुंदर सा जी मैंने अतला विस्तार से मैंने इसलिए आपको बताया कि आज कई कथाकार चाहे भागवत के कथाकार होय चाहे रामायण के कथाकार हो चाहे गीता के कथाकार हो चाहे वेद उपनिषदों के कथाकार हो चाहे कोई देवी भागवत या कोई अन्य शास्त्र के कथाकार होए, सुंदर शाह जी तो वो लोगों को पता नहीं कि सृष्टि रचना का मूल कारण और मूल चैतन्य बीज कहाँ है और हाँ सृष्टि रचना तो भागवत के आधार पर बताते हैं कई बार लेकिन वो कैसे बनी और उसका मूल बीज कहाँ है वो उसको पता नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा व्या, एक विस्तार से स्पष्टीकरण किया तो प्राणदास सुंदर शाह शक्ति आई और फिर आगे हम बढ़ेंगे तो अव्याकृत क्या है सुंदर जी अक्सर ब्रह्म के मन का मन के मन का स्वरूप है क्या है वो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है अव्याकृत ब्रह्म लेकिन जो नारायण अभी बनेगा यह ब्रह्मांड बनेगा ये, ये अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर जो स्वप्न चल रहा है वो सुचल क्या चल रहा है स्वप्न चल रहा है तो अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप यह नारायण है बोलो श्री प्राणनाथ कौन है ये नारायण अक्सर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप ये नारायण है ये नारायण कैसे प्रकट हुए सुंदर साजी कैसे पैदा हुए अक्सर ब्रह्म के मन में जब उसने एक संकल्प लिया संकल्प के बाद जो नारायण ये मोह सागर के जल में जल नहीं है वास्तव में जल नहीं है मोरूपी जल में ये नारायण का प्रगटन हुआ उसका एक प्रमाण धर्म शास्त्र में बताया कि आप नाराइति पोक्ता यो नर सुनव ता यदा स्ने न नारायण स्मृत ये मोरूपी जल में नारायण प्रगट हो गए और नारायण ने संकल्प किया कि एको हाम बहुश्याम क्या संकल्प किया एको हाम बहुश्याम मैं एक में से अनेक हो क्या बोला मैं एक में एक से अनेक हो जाऊ तो ऐसे नारायण से हम वैदिक मान्यता के आधार पर कैसे समझते हैं और पौराणिक मान्यता से हम कैसे समझते हैं वही बात पर हम आगे बढ़ेंगे तो सुंदर साहद जी मेरे का कहने का एक ही उद्देश्य है एक ही भाव है कि जो पौराणिक मान्यता है पौराणिक मान्यता है वो वास्तविकता नहीं है सुंदर साहद जी जो पुराणों में लिखी हुई है समझ में आ रहा है ना सुंदर साहद जी जो पुराणों में लिखा हुआ है वो वास्तविक घटनाक्रम या इतिहास नहीं है लेकिन जो वेदों में लिखा है या वेदों के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद या छह शास्त्रों में जो लिखा हुआ है या तंत्र या पुराण संहिता या बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र जो भविष्योत्तर पुराण हरिवंश पुराण जो ऐसे में लिखी हुई बातें हैं वो वास्तविक है वो यथार्थ सत्य है तो आज हम वैदिक मान्यता क्या कहती है और पौराणिक मान्यता क्या कहती है और दोनों मान्यता के आधार पर आज हम ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई उस बात पर हम आगे स्पष्टीकरण करेंगे तो हम पहले सुंदर जी दोनों मान्यता का साथ में एकीकरण करके मिलान करके हम समझेंगे क्योंकि मैंने इसलिए बताया सुंदर सा जी के वेद है मैंने कल थोड़ा इशारा दिया था कि जो वेद है वो अक्षरातीत के से वेद का अवतरण कैसे हुआ इस संसार में मैं यह बता रही हूँ का अवतरण इस संसार में अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म उसके बाद अक्षर अक्षर के दिल में आया उसके बाद सदाशिव उसके बाद ईश्वर नारायण या ओम प्रणव या विष्णु या आदि नारायण जो भी कहो समानार्थी नाम है और नारायण से चार वेदों का ज्ञान समाधिस्थ अवस्था में इस सृष्टि में अवतरण हुआ प्रगटन हुआ चार वेदों का कैसे वायु अग्नि अंगिरा और आदित्य ये चार ऋषि के द्वारा चार वेदों ऋग्वेद अजुर्वेद श्याम और अथर्ववेद ये चारों वेदों का ज्ञान चार ऋषियों के द्वारा इस ब्रह्मांड में समाधि अवस्था में अवतरण प्रगटन हुआ तो ये ज्ञान वास्तविक यथार्थ सत्य ज्ञान है जो वेदों में लिखा हुआ है उसके व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद और शास्त्रों में लिखा हुआ है इसलिए वैदिक मान्यता के आधार पर यह सृष्टि रचना कैसे हुई और हम अब तक जो हमारे निजानंद संप्रदाय समाज में या अलग जगह जगह पर, पर हम या मीडिया पर हम समझते आ रहे हैं पौराणिक मान्यता के आधार पर तो दोनों मान्यता के आधार पर हम समझेंगे लेकिन पौराणिक मान्यता की मैं बात बताते बताते उसके साथ में वैदिक मान्यता की भी बात रखूंगी तो पौराणिक मान्यता के आधार पर हम इस ब्रह्मांड को इस भाव पर समझते आ रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना इस पर हमारी बात चल रही है अक्षर ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई पहले मैं ये बताऊंगी उसके बाद अक्षर और उसके बाद अक्षरा दिव्य परम धाम तो पहले सुंदर साधजी अक्सर ब्रह्म का मन कितना है एक कितने मन है उसके एक मन तो उसके मन एक है तो ब्रह्मांड भी कितने हो गए एक ब्रह्मांड भी एक मन भी एक और सुंदर साहद जी जैसे रचना हुई तो भागवत और तारतम वाणी के आधार पर अनेक ब्रह्मांडों की बात की गई है सिप्राणा जी ने बताई है लोक संख्य अवश्य है लेकिन सिप्राणा जी ने लोक को अनेक ब्रह्मांडो करके जो बात बताई गई है पूरी के नैन के पावे पल में इस कई ब्रह्मांड उपजत खपत बताई है ना सुंदर जी? तो ऐसे पौराणिक मान्यता पर हम पहले समझेंगे आज सिर्फ क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात ही रखनी है कल हम इस से लेंगे तो आज में ब्रह्मांड रस्य के आधार पर ब्रह्मांड रस्य नामक ग्रंथ है उसके आधार पर जो वैदिक और पौराणिक मान्यता के आधार पर ब्रह्मांड की रचना बताई गई है उसमें मैं पहले पौराणिक मान्यता बताने जा रही हूं तो पौराणिक मान्यता के आधार पर हमें पर्दे पर नक्शे पर जो नक्शे आते ना क्षर अक्षर और अक्षरातीत के में तो उसमें हम समझते हैं कि नीचे सात पाताल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये चौदह लोग कैसे बने तो नीचे सात पाताल ऊपर ये मृत्यु लोग आठवा जहां हम आज... रह रहे हैं साथ जी ये मृत्युलोक आठवा और उसके ऊपर ये मृत्युलोक में भी सुंदर शाह जी कैसी कैसी रचना बनी है विचित्र कैसे द्वीपों में कैसे खंडों में जैसे हम समझते आ रहे हैं कि नौ खंडो कई जगह सात द्वीपों सात खंडों में की भी बात कही गई है तो सुंदर साहद जी आठवा ये मृत्युलोक ऊपर छह स्वर्ग हम समझते आ रहे हैं ऊपर छह स्वर्ग क्या क्या ऊपर पितृलोक भूअर लोक उसके ऊपर स्वर्ग लोक उसके ऊपर महर लोक उसके ऊपर जन लोक उसके ऊपर लो. तप लोक और उसके ऊपर सत लोक जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश की पुरी है महेश की पुरी को कैलाशपुरी ब्रह्मा जी की पुरी को ब्रह्मापुरी और विष्णु भगवान की पुरी को सत्य लोक या वही कुट बोलते है। हैं। चौदह लोक के ऊपर हम अष्टावरण को समझते हैं ना पौराणिक मान्यता में पहले बताने जा रही हूं उसके बाद क्या समझते हम अष्ट आवरण को समझते हैं अष्ट आवरण के बाद ज्योतिष स्वरूप ज्ञान शक्ति गायत्री महतत्व सात शून्य और नारायण नारायण के चार संकर्षण, पद्यमुन, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये चार व्यू को हम समत और नारायण को हम समते। ये मान्यता के आधार पर समते। लेकिन साजी वैदिक मान्यता उससे विरुद्ध है उसका खंडन करती है क्योंकि मैंने बताया ने कि वैदिक मान्यता ही सत्य यही यथार्थ यही वही वास्तविकता है वैदिक मान्यता में बताया के नीचे सात पाताल ऊपर छ स्वर्ग ऐसी रचना नहीं है उसमें यही बताया तीन भागों में कहीं जगह वेद में कई जगह सात भागों में और कहीं जगह चौदह भागों में बांटा गया है वैदिक मान्यता के आधार पर कहीं जगह तीन भागों में कहीं जगह सात भागों में और कहीं जगह चौदह भागों में बाटा गया है तो तीन भाग में वैदिक मान्यता कहती है कि पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक क्या-क्या पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक वो सात भागों में यह बताती है कि नीचे वाला सात पाताल वो भी स्थूल है और ऊपर पृथ्वी लोक भी स्थूल है ये आठों आठ आथ स्थूल कहां समा जाते हैं अंतरिक्ष ऊपर लोक में आ जाते हैं और ऊपर का जो छह स्वर्गीय अवस्था वा, वो स्वर्ग एक स्थान विशेष नहीं स्वर्ग एक अवस्था विशेष है क्या है स्वर्ग एक स्थान विशेष नहीं एक अवस्था विशेष है तो ऊपर वाले जो छह स्वर्ग बताए गए हैं क्या क्या स्वर्ग महरलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक वो तो हमने ले लिया को अंतरिक्ष कहा गया वैदिक मान्यता में क्या कहा गया अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म में सूक्ष्म अंतरिक्ष में ये नक्षत्र ग्रह पृथ्वी आदि तत्व जो जो भी बने हैं ये सब कहा स्थित है आकाश में कहा स्थित है आकाश में तो सात हो गए उस आधार पर और कहीं जगह चौदह भागों में बांटा गया है तो चौदह भागों में ऐसे बांटा गया है इस तरीके से बांटा गया है कि नीचे सात। सुंदर सा जी समझ में तो आ रहा है ना मैं बार बार इसलिए दोबारा दोहरा रही हूं कि थोड़ी कठिन तो है बात लेकिन समझनी तो पड़ेगी पड़ेगी क्योंकि ये वास्तविकता यही है जो अब तक आप पर्दे पर नक्शे पर जो मैप पर समझते आ रहे हैं ना ऐसा नहीं है मैं अभी बताऊंगी ना आपको ये भी पौराणिक मान्यता भी मैं बताऊंगी आपको तो वेद के आधार पर चौदह भागों में ऐसे बांटा गया है कि ऊपर के साथ स्वर्ग और नीचे के साथ नारक अवस्था ऊपर की स्वर्गीय अवस्था अवस्था और सात्विक अवस्था और नीचे की सात नारक अवस्था तो वैदिक मान्यता के आधार पर ऊपर का साथ अंतरिक्ष में मैंने सभी स्थूल लोक को ले लिया वो छह स्वर्ग को ले लिया स्वर्ग महर जन तप और सत्य और नीचे का नारक लोक में जो तमोगुणी की बात की गई है उसमें सुंदर सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये नारक्य कई रीते बताया जो स्वर्ग नरक हम बात करते हैं पुराणों के आधार पर तो ये नारक अवस्था तमोगुणी अवस्था बताई गई है और सुंदर जी नीचे वाला जो है वो सात भागों में ऐसे बांटा गया है वैदिक मान्यता के आधार पर रोरव महारोरव क्या क्या, क्या? रोरव महारोरव कुंभी पार्क तामस अंत्रामस ब्रूही और वेतरणी नीचे का सात रोरव महारोरव ब्रूही वेतरणी कुंभी पार्क त्रामस और अंध त्रामस ये सात भागों में नरक की जो दुख बताया है जैसे मान लो तो आपको मैं बताऊ तो आपको समझ में आ जाएगा सुखदेव मुनि ने क्योंकि भागवत के समझदार आज कई आत्माएं बैठी है तो उसको भागवत के आधार पर मैं थोड़ी बात बताऊंगी सुखदेव मुनि ने भागवत के आधार पर बताया है कि जब चौरासी नरक के कुंड का वर्णन परीक्षित राजा को बताने जा रहे हैं तभी परीक्षित राजा ने 28 नरक के गुंडों का वर्णन सुना लेकिन छप्पन नहीं पाए तभी सुखदेव मुनि ने बताया कि हे परीक्षित आप वर्णन को ये नरक के वर्णन को आप सुन नहीं पा रहे हो तो आप भोगेगे कैसे तो आप भोगेगे कैसे ये नरक कैसे है ये सुखदेव मुनि ने भागवत में परीक्षित राजा को जब बता रहे हैं कि हे है परीक्षित जो पहला वाला नरक का दुख है वो दस गुना है और दूसरे नरक का उससे दो गुना बीस गुना है और तीसरे वाला उससे उससे और दो गुना तो चालीस और उससे आगे अस्सी उसके आगे एक सौ साठ और तन सौ बीस ऐसे ऐसे दो गुने दो गुने करते जाना तो हे परीक्षित ऐसे नरक के जो दुख है जो मैंने आपको बताए ऐसे जीवों को जो ऐसे दुराचारी हत्याचारी ऐसे जो जीवे है जीव है कौन कौन व्यभिचार लुटफाट चोरी जो करने वाले हो जीव है ने, वो जीव ये नरक में जाएंगे ऐसे करके वो नरक की जो अवस्था बताई है वो सात भागों में बांटी गई है कितने भागों में सात भागों में बांटी गई है ये वैदिक मान्यता ने बताया लेकिन नीचे सात पाताल नहीं है ऊपर छह स्वर्ग एक सूक्ष्म अवस्था है वो हम पहले पौराणिक मान्यता पर देखेंगे कि पौराणिक मान्यता में हमने अभी हम अभी तक ऐसे सुनते आ रहे हैं कि ऊपर छ स्वर्ग कैसे बने हैं तो पहले हम ऊपर के छह स्वर्ग पौराणिक मान्यता के आधार पर समझेंगे फिर नीचे के साथ पाताल समझेंगे तो ऊपर के छह स्वर्ग कैसे बने सुंदर स्वर्ग? पहले हम पौराणिक मान्यता में समझे तो ऐसे बताया कि यहां से हम ऊपर जाएंगे ये मृत्यु लोक है मृत्यु लोक जम्बुद्दीप भरत खंड जम्बू उसमें द्वीप मिस मतलब आइलैंड टापू उसमें भारत खंड में भारत देश जो आप हम जानते हैं ना भारत देश के नाम से ये भारत देश इसमें भी कितने प्रांत हैं कितने राज्य हैं कितने स्टेट इकतीस या बत्तीस स्टेट हैं ना भारत प्रांत उसमें सुंदर सा जी हमारा गुजरात प्रांत उसमें भी हमारा राजकोट डिस्ट्रिक्ट जिला उसमें भी एक हमारी एक छोटी सी एक सोसाइटी और उसमें भी इतना छोटा सा एक घर या इतना एक मान लो ग्राउंड उसमें हम आज इतनी जगह में बैठे हैं ना मैं बताने जा रही हूं कि पृथ्वी लोक पौराणिक मान्यता के आधार पर लोक से ऊपर दस हजार दस हजार योजन ऊपर भूअर लोक है जहां पितृ भूत, 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 भूत प्रेत पिचास, किन्नर ऐसे वहां रहते हैं ना ये हम पौराणिक मान्यता के आधार पर जानते आ रहे हैं उसके बाद पितृलोक के बाद अगर क्या है आगे स्वर्ग तो स्वर्ग में कौन रहते सुंदर साहद जी इंद्र नारद आदि देवगण वहां रहते स्वर्ग में देवी देवता हम तेतीस करोड़ नाम से जानते हैं न तो देवी देवता आदि पौराणिक मान्यता के आधार पर देवी देवता आदि रहते उसके आगे क्या है स्वर्ग के आगे महरलोक स्वर्ग लोक के आगे महरलोक, है। तो महरलोक में अंगिरा भारद्वाज ध्रुव आदि तपस्वी लोग वहां रहते हैं उसके आगे जनलोक जनलोक में मरीज पुलस्तस्य ऐसे शिष्ट ऐसे आदि कई ऋषि वहां भी रहते हैं और उसके आगे महर लोग के के आगे जन्लोक, जन्लोक के आगे तप लोक, तप लोक में तपस्वी जैसे यह हजारों साल से जो तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करने के बाद हम सुनते आ रहे हैं पौराणिक मान्यता के आधार पर जैसे तन छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे तप लोक में लेकिन तप लोक ऊपर नहीं है कहाँ बना है ये हम वैदिक मान्यता के आधार पर समझेंगे तपलोक के आगे क्या है सत्यलोक जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश की पुरी है ब्रह्मा की 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 और की और विष्णु सत्यलोक कैलाश पुरी तो ऊपर का सात लोक हो गया और अब, अब नीचे का अभी हम समझेंगे अब तो नीचे का सात लोक पौराणिक मान्यता के आधार पर हमने सम, हम समझते आ रहे हैं कि पृथ्वी लोक के नीचे पृथ्वी लोक आठ इससे नीचे नौ अतल। अतल लोक दस हजार योजन नीचे है कितने योजन और उसके दस हजार क्या है वितल ऐसे दस दस हजार हम नीचे जाएंगे तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल तक जब हम गिनती करेंगे गिनेंगे दस दस हजार योजन की दूरी और पाताल लोक से नीचे करोड़ योजन कितने करोड़ योजन त्रीस करोड़ योजन नीचे गर्भोदक सागर है और उसमें नारायण रहते हैं और शेष साई नारायण किस पर ठहरे है सुंदर साहद जी कछुए पर ये शास्त्रों में पुराणों में बताया सॉरी शास्त्रों में नहीं पुराणों में बताया अभी पौराणिक मान्यता चल रही है वो कछुए पर ठहरे और कछुए किस पर ठहरे बेल पर बेल पर बताया पुराणों में और बेल किस पर ठहरे गए वही प्रश्न खड़ा होगा ने लेकिन संसार के जीवों ने अभी तक यह पता नहीं लगा कि यह बेल कौन है ये कछुआ कौन है सुंदर साद जी ये शेषशाई नारायण कौन है उसके बारे में हम वैदिक मान्यता के आधार पर समझेंगे तो ये पहले ये बात हम पौराणिक मान्यता की पूरी करेंगे और हम ये भी समझते आ रहे हैं कि नारायण जो ल, ये नीचे वाला नारायण शेषाई नारायण है उसको लक्ष्मी जी बाद सेवन कर रही है ने उसको हम गर्भोदक सागर में समझते आ रहे हैं और एक नारायण को हमने क्या बैठा दिया ऊपर आदि नारायण के रूप में उसको महाकारण के रूप में मोह सागर में आदि नारायण को ऊपर बैठा दिया और गर्भोदक सागर में किसको बैठा दिया सेशाई को ऐसे है, है जो सत्यता है अभी हम वैदिक मान्यता को अलग कह रहे हैं और पौराणिक मान्यता को अलग समझेंगे पहले हम पौराणिक मान्यता पर आगे बढ़ेंगे पहले तो यह समझ लो कि एक सूर्य उग निकलता ना सुबह को पूर्व दिशा में सूर्य उगता है ना सुबह को तो सूर्य जहां उगा है वो पृथ्वी से तेर लाख गुना बड़ा है कितना तेर लाख गुना बड़ा है सूर्य और पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है सुंदर शाह जी चौदह करोड़ और अट्ठानु लाख किमी की दूरी पर है और लाख गुना इतना बड़ा सूर्य इतनी दूरी पर है और जब ये उगता है तो उसके आसपास का जो टेम्परेचर तापमान रहता है सुंदर साथ जी वो कितना जो ये उगता जब मान लो जब समर की ऋतु चलती है गर्मी की ऋतु में सूर्य का जब ताप नीचे आता है तो हमारी चमड़ी पर जब शरीर पर हम जब, 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 जब पड़ते हैं ताप तो कितने तो अंदर से जलन होता है कितना जलन होता है सुंदर सा जी हम सहन नहीं कर पाते इतनी दूरी से नीचे आता है तो विचार कीजिए इतना टेम्परेचर इतनी दूरी से नीचे आने के बाद हम सहन नहीं कर पाते तो सूर्य के आसपास का जो गिरत का वहां का यह टेम्परेचर कितना होगा कितना ज्यादा होगा इससे भी ज्यादा इससे भी ज्यादा पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के नीचे अतल लोक है वहां इससे भी ज्यादा टेम्परेचर है सूर्य के आसपास का जो टेम्परेचर है तापमान है उससे भी ज्यादा अतल लोक हम जहां समझते हैं वहां है तो क्या वहां कोई जीव सृष्टि रह पाएगी कोई शक्य है क्या वहां जीव का रहना नहीं है ने और नीचे जाएंगे तो हमने जो दस दस हजार की गिनती की ने दस हजार की तो गर्भोदक सागर तक की हम गिनती करेंगे तो आठ लाख चालीस हजार की किमी आठ लाख चालीस हजार किमी की, की दूरी हो जाएगी पृथ्वी लोक से नीचे तो वहां कोई मानव का बसवाट कोई वहां शक्य है क्या शक्य है क्या शक्य नहीं है तो नीचे कोई मानव चैतन्य जीव का रहना असंभव है सुंदर शाह ये पौराणिक मान्यता के आधार पर बताया गया और अभी हमने जो बात छोड़ी कि नारायण कहा शयन कर रहा है साई नीचे हमने सुना ने तो नीचे वाला नारायण अलग नहीं है ऊपर वाला है वही नीचे वाला है नीचे वाला अलग नहीं है एक ही नारायण है जो ऊपर वाला है ना आदि नारायण महाविष्णु वही एक ही नारायण है सुंदर फिर हमने सुना कि कछुए पर यह नारायण स्थित है कछुआ बेल पर स्थित है वही बात हम समझ लेंगे तो उसका मनुस्मृति में प्रमाण दिया किसमें दिया मनुस्मृति में प्रमाण दिया के श्रुति स्मृति सदाचार प्रयात्मान ये तत्त चतुर्विदम ये ए साक्षात धर्मशिय लक्षणम किसमें प्रमाण दिया मनुस्मृति में के श्रुति मतलब वेद स्मृति मतलब धर्मशास्त्र स्मृति का कथन मात्र धर्मशास्त्र और सदाचार और अंतरात्मा की आवाज पुकार ये चारों धर्म के लक्षण है और ये सृष्टि किस पर थेरी है बेल पर नहीं ये रूपी बेल है ये धर्म को धारण करके ये पौराणिक मान्यता वाले विद्वान ने समझा नहीं सुंदर सा जी ये धर्म पूरे ब्रह्मांड को धारण करके खड़ा है धर्म सृष्टि नहीं थी तभी भी धर्म था अभी भी धर्म है और यह सृष्टि नहीं रहेगी जब यह सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तभी भी धर्म रहेगा धर्म कोई बाह्य कर्म कांड के आडम्बरों को कहते नहीं है कि मान लो कि मैं पुष्टिमान संप्रदाय में अनुयायी बनी मैंने दीक्षा ली ब्रह्म संबंध लिया तिलक किया गले में कंठी धारण कर ली धोती पहन ली या कोई वेशभूषा धारण कर ली तो मैं वैष्णव कहलाएंगी या मैं कृष्ण प्रणामी या निजानंद संप्रदाय में अनुयायी बनी मैंने चंदन कर लिया ऊपर प्रणाम वाला रुमाल बांध लिया गले में एक कंठी बांध ली तो मैं क्या प्रणामी और मैं धर्म वाली हो गई क्या उसको धर्म नहीं बोलते या स्वामीनारायण संप्रदाय में मैं अनुयायी बनी या तिलक कर लिया या कंठी धारण कर ली या कोई कोई भी वेशभूषा या चिन्ह मैंने अपना लिया तो मैं हरिभक्त तो ये धर्म नहीं है ये ये क्या है ये है 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 पंथ पंथ एक एक मत कृष्ण प्रणामी धर्म नहीं है ऐसे पुष्टि मार्ग एक मत है एक पंथ है ऐसे स्वामीनारायण संप्रदाय एक मत है एक पंथ है ऐसे एक माना जो भी बोलो आप अलग-अलग मत मतांतरम बोलते हैं ना अलग-अलग संप्रदाय हम बोलते हैं ना वो है धर्म नहीं है धर्म एक रूख से एक पेड़ है और जितने भी हम संसार में जितने भी मत संप्रदाय हम देख रहे हैं सुंदरसा जी एक हिंदू समाज में एक हिंदू में क्रिश्चियन बौद्ध जैन पारसी सिख कन्फ्यूशियस ताओ ये लो ये मत पंथ की बात नहीं करो सिर्फ हिंदू हिंदू में हम आते हैं ना हिंदू में भी एक हजार मत है कितने एक हजार मत हिंदू में, में है एक हजार संप्रदाय हिंदू में है उसमें हम आ गए चाहे पुष्टि मार्ग हो चाहे कृष्ण पन्नामी होए निजानंद संप्रदाय होए चाहे स्वामीनान होए चाहे ब्रह्मा कुमारी होए चाहे दादा भगवान हो चाहे निरंकारी हो चाहे राधा स्वामी हो चाहे ओसो रजनीश हो चाहे रविशंकर हो चाहे ए टू जेड कोई भी हो ये मत कहलाते संप्रदाय कहलाते, कहलाते लेकिन उसको धर्म नहीं कहते धर्म तो मैंने अब भी बोला अनादि है शाश्वत है अखंड है वो कभी नाश नहीं होता व्यास मुनि ने अपना दो हाथ ऊंचा करकर महर्षि वेद व्यासी ने बोला अपनी दोनों भुजाएं ऊंची कह कर, कर कर के हे मानवो क्या बोला हे मानवो धर्म तो सभी सृष्टि को धारण करके जिसको धारण किया जाता है या सृष्टि जिसको धारण करती है उसको धर्म बोलते हैं धर्म में कभी विकृतियां नहीं आती धर्म कभी नष्ट नहीं होते विकृतियां मत पंथों में आती संप्रदाय नष्ट होते मत पंथ नष्ट होते धर्म कभी भी नष्ट नहीं होते धर्म मैंने बोला न सृष्टि नहीं थी तब भी, भी धर्म था तो धर्म एक वृक्ष है ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी समय नहीं है न तो मैं धर्म पर ज्यादा विस्तार करती प्रसंग प्रसंग पर हम आगे लेंगे तो धर्म एक वृक्ष है और जो मत संप्रदाय उसकी शाखाए है सुंदर साथ जी धर्म उसको बोलते हैं और धर्म रूपी जो चार पैर बताया उसका चार लक्षण बताया और कछुए की जो मैंने बात अभी रखी तो कछुआ और दूसरा कोई नहीं ये माया रूपी पर्दा फरामोशी हमने वाणी के आधार पर समझाने कि रूहे जब इस खेल में आई ने, रूहे जब इस खेल में आई तो हमारे पर क्या फरामोर्सी, ऐसे माया के पर्दे धनी ने डाल दिए ने, हम घर को देखना बंद हो गए ना हमारे से घर को देखना बंद हो, देखना? बंद हो हम बैठे राज्य के सामने लेकिन देख किसको रहे ये माया को तो ये माया रूपी पर्दे सब संसार के सभी जीवों को परेशान कर रहा है सिर्फ यहां बैठी हुई आत्मा या कोई मान लो मंदिर या आश्रम में बैठे सभी को ये माया रूपी पर्दे फरामोशी के पर्दे जो सभी को ऐसे कछुए की पीठ पर बताया ने कौन विष्णु भगवान कहां बैठे कछुए की पीठ पर बताया ने तो कछुए की पीठ क्या है जैसे कछुए की पीठ कठोर होती ने दबाने पर भी दबती नहीं ने तो ऐसे माया रूपी पर्दे कितने कठोर है कितने कठोर है कोई भी निकला कोई भी कई लोगों ने बताया नहीं इस वाणी में सुख सन का नव टली लक्ष्मी नारायण को फलीवली विष्णु वहीं लिधा माहे सागर शिखर न मुखिया क्या है बताया ना दामदनी निवानी में कोई इस माया को पार कर कर सुंदर साजी उतर नहीं सका ये मोह सागर की पाल को पार कर कर अभी तक कोई निकल नहीं पाया है और यही मोह सागर ये, ये कछुए की पीठ है और वही मोह सागर में सब पूरा संसार का संचालन चल रहा है वो कछुए की पीठ दूसरी कोई नहीं है और नीचे हमने समझाता शेष साई नारायण उसका भी हम भाव समझ ले शेष एक ऋषि हो गए शेष एक ऋषि हो गए पूर्व काल में अतीत में शेष साई नारायण कोई नहीं है कोई व्यक्ति ऐसे अवतार के महापुरुष नहीं है कोई भगवान नहीं है शेष एक ऋषि जैसे एक, एक व्याख्या वो सो प्रकार से करता था एक प्रकार की व्याख्या वो प्रकार से करता था सुंदर सा जी एक ऐसे शेष ऋषि हो गए और शेष कहते हैं दूसरी रूप दूसरे रूप से हम समझेंगे ये तो हो गए लेकिन दूसरे रूप में हम समझेंगे तो शेष कहते हैं शून्य को किसको कहते हैं शेष शून्य को शून्य जिसका प्रमाण धामदणी ने वाणी में बताया के ये माया ये नींद ये अज्ञान ये कर्म ये काल और शून्य ये सारे नाम निंद के कर्म काल और सुन ये सारे नाम निंद के निराकार और निर्गुण ये सब नाम बताए ने निराकार और निर्गुण तो सुंदर साथ जी शेष साईं नारायण और दूसरा कोई नहीं ये निराकार ये शेष को कहते हैं निराकार या सुनिया या मोहरूपी पर्दे या काल या करम या अज्ञान या मोह या भ्रम नीचे वाला स्वरूप ही ऊपर वाला एक ही है समझ में आ गया नीचे वाला साई अलग नहीं है ऊपर वाला आदि नारायण जो अक्सर के मन का स्वप्न का जो स्वरूप हुई गर्भोदक सागर में हम समझते आ रहे हैं कि उसने जब संकल्प किया तो नीचे से पैदा हो गए, नहीं ऐसा नहीं है फिर हम पौराणिक मान्यता के आधार पर नीचे वाले वाले सात पाताल को हम समझ ले, लेंगे, ऊपर छह स्वर्ग को तो समझाने बात पूरी प्रसंग अनुसार जा रही है ने, कोई छूट जाए तो मेरे को याद दिलाना ऊपर वाले छह स्वर्ग को समझ लिया पृथ्वी लोक को समझ लिया को समझ लिया नीचे वाले सात पहले हम पाताल को समझे क्या समझे नीचे वाले सात पाताल कहा है सुंदर साथ जी ये भी बताया नीचे वाला सात पाताल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल अलग नहीं है एक बार मैं यहाँ प्रसंग बताने जा रही हूं वो आप सुनना पुराणों में बताया है कि एक बार राजा सगर यज्ञ करने जा रहा था कौन राजा सगर ज्ञान में राजु यज्ञ कर लिए जब सोवा यज्ञ करने जा रहे थे तब मैंने अभी बताया कि स्वर्ग में कौन रहते हैं इंद्र और कल भी बताया था कि इंद्र देव सृष्टि के देवगण के एक राजा है उसको एक उपाधि मिली है उसका नाम तो देवराज है क्या है देवराज जब यज्ञ करने जा रहे थे तभी देवराज इंद्र आया और सोबा राजु यज्ञ पूरा नहीं करने दिया और उसके घोड़े को लेकर सगर के घोड़े को लेकर जहां कपिल मुनि का आश्रम है कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है वो पाताल में पाताल नीचे नहीं ये पृथ्वी पर ही पाताल में बताऊंगी आगे तो सोमा राशु यज्ञ पूरा नहीं होने दिया अधूरा रह गया और देवराज इंद्र सगर के घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर चले गए तो सगर के पुत्र जब आए यज्ञ चल रहा था वहां आने के बाद इतने क्रोधित हो गए और पता लगा कि वो तो कपिल मुनि के आश्रम में वहां घोड़े को छोड़ दिया है तो कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहां जाके देवराज को वचन से बोलने लगे वचन कहने लगे तभी कपिल मुनि ने वो सगर के पुत्रों को श्राप दे दिया क्या दे दिया श्राप दे दिया तो वो लोग वहां ही जलकर भस्म हो गए जलकर भस्म हो गए और आगे वंशज में कौन आया तो के भगीरथ मैंने कल बताया था पता है भगीरथ के बाद दिलीप दिलीप के अगर रघु और उसके दशरथ और उसके राम वहां तक कल बताया था तो भगीरथ ने वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जी को भगीरथ के सिर से उतरी ना गंगा जी ये कहावत तो हम आज सुनते आ रहे हैं ना अभी तक पुराणों के आधार पर तो गंगा जी को उतारा और गंगा जी द्वारा अपने पूर्वजों को मुक्ति दी वो गंगा जी आज का जो गंगा सागर जहाँ गंगा समुद्र में मिलती है वो बंगाल की खाड़ी जहां पड़ती है बंगाल की खाड़ी पड़ती है उसके किनारे सुंदर साजी, गंगा जहां समुद्र में मिलती है वही पाताल है वहां पाताल और मैं बताऊ पाताल कहाँ कहाँ है यहाँ वैदिक मान्यता के आधार पर पाताल कहाँ बताया तो धर्मशास्त्र में प्रमाण दिया पादस्य पादस्य सह सह पाताल पाताल पृथ्वी रचना कैसे हुई कब हुई कल मैंने थोड़ा इशारा दिया था कि ये सृष्टि रचना हुई सुंदर साथ जी उसका समय मैं आगे बताऊंगी लेकिन पहले मैं ये बता दूंगी कि यह सृष्टि अतीत में पूर्व काल में मानसरोवर झील के किनारे कल मैंने बताया था जम्मू कश्मीर और तिब्बत का जहाँ भाग पड़ता है वहाँ सबसे पहले ये मानव सृष्टि की रचना हुई उसमें छह प्रकार की सृष्टि का वैदिक मान्यता के आधार पर प्रमाण दिया और चार प्रकार की सृष्टि का पौराणिक मान्यता जैसे श्रीमद् भागवत पुराण हरिवंश पुराण बत सब में बताया ने। तो श्रीमद् भागवत के पुराण पर चार प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया और उद्वीज जरायुज अंडज स्वदेज और उद्वीज लेकिन पौराणिक मान्यता के आधार पर नहीं वैदिक मान्यता के आधार पर छह प्रकार की सृष्टि बताई कितने प्रकार छह प्रकार की उसमें जरायुज अंडज स्वदेश उद्बीज संकल्पीक और सैद्धांतिक कितनी दो और बट गई ने सैद्धांतिक और संकल्पीक ये दो सृष्टि और बताई वैदिक मान्यता के आधार पर तो जरायुज मान्य जरायुज अंडज स्वदेश और उद्बीज ये पौराणिक मान्यता पर हम समझते आ रहे हैं कि जरायुज मानसिक सृष्टि मनुष्य से पैदा हुई जो वो सृष्टि और अंडज जो इंडा से पैदा हुए पक्षी वो स्वदेश जो पसीना से पैदा हुए जो कीट पतंग छोटे छोटे जो जीवाणु होते ना हो और आगे खटमल जू सब आ गए उसमें और आगे सुंदर जी उदीज जो वृक्ष आदि योनिया है ना वो योनियो में भी एक चैतन्य है लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा है तो चार प्रकार की सृष्टि पौराणिक मान्यता के आधार पर बताई गई और छह प्रकार की सृष्टि वैदिक मान्यता के आधार पर दो बढ़ा दे चार तो हमने जान ली दो क्या तो के सांकल्पिक सांकल्पिक और सैद्धांतिक सांकल्पिक सृष्टि इसको कहते हैं कि सृष्टि के, के प्रारंभ से पहले देव सृष्टि उत्पन्न हुई कौन हुई पहले सृष्टि कहा उत्पन्न हुई मैंने अभी बताया हिमालय के जम्मू कश्मीर के तिब्बत के भाग में वहां सृष्टि उत्पन्न हुई तो सबसे प्रथम सत्यवादी और सतोगुणी मानव की उत्पत्ति हुई कैसे मानव की सतोगुणी और सत्यवादी मानव की उत्पत्ति हुई उसमें सुंदर साजी वैदिक मान्यता के आधार पर बताया गया कि देव सृष्टि में सबसे पहले वायु अग्नि अंगिरा आदित्य ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिकोंमा सनकादिक सनातन सनातन सनकादिक सनत कुमार ये सब मरीचि भृगु ये सब ऋषि सबसे पहले जिसका कोई माता-पिता नहीं है वो आदि नारायण के संकल्प से वो आदि नारायण के संकल्प से एक को जब वो बोले, तो तो के साथ में अनेक हो इतना ही बोला, तो मानसी सृष्टि सीधी पैदा हुई जिसका माता पिता कोई नहीं है जो मैं सब ऋषि मुनियों के नाम लिए वो पैदा हुए और उसके बाद सैद्धांतिक सृष्टि इसको बोलते हैं कि जब वो ऋषि मुनि ने ध्यान समाधि लगाई जो ऋषि पहले पैदा हुए माता पिता नहीं थे उसने ध्यान समाधि लगाई तो समाधि अवस्था में उसने अंदर से एक संकल्प करते हैं योगी एक बार अपनी अवस्था प्राप्त करने के बाद अंदर से जब एक बार संकल्प करते हैं तब एक रूप अनेक रूप हो जाते हैं अपना ओरिजिनल रूप एक ही जगह रहता है लेकिन उसके प्रतिबिंब के रूप अनेक जगह दिखाई देते हैं। जैसे मान लो हमारे गोपाल मणि जी परमंश हो गए ने, वो फुलपुर भैया में भी हम देखते थे और पन्ना में भी हम देखते थे और अलग अलग स्थानों में हर जगह ऐसे राम रतन दास जी ऐसे हमारे परमंस कई ब्रह्मात्माएं हुई ने तो अलग अलग रूपों में हम दिखते हैं ना उसको नूरी उसका प्रतिबिंब स्वरूप में उसको योगी योगी की भाषा में शास्त्रों की भाषा में एक में से अनेक रूपों में देखना सैद्धांतिक सृष्टि कहते हैं उसको तो सुष्टी हो गई। ऐसी मान्यता के आधार पर पाताल को समझने जा रहे हैं तो पाताल कहां आया तो सबसे पहले मैंने अभी जो सृष्टि की बात आधी छोड़ी के वहां सात्विक और सतोगुणी मानव ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए तो उसकी संख्या बढ़ते 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 बढ़ते, बढ़ते। कितने प्रकार की हो गई सुंदर जी कितनी हो गई कितनी संख्या हो गई तैतीस करोड़ वो संख्या हो गई सुंदर जी और तैतीस प्रकार बताए और हमने क्या समझ लिया तैतीस करोड़ देवी देवता करोड़ मतलब प्रकार तैतीस प्रकार बताए गए हैं सुंदर साथ जी देवी देवता का जो वर्णन आया है मैं आगे वो प्रकार का बताऊंगी इसमें मैं साथ में नहीं लूंगी क्योंकि समय नहीं रहेगा जो आगे थोड़ी बात रखनी है ब्रह्मांड की तो उसके आगे हम जाएंगे सुंदर जी तो जहां सागरों पड़ते हैं जहां नदियां पड़ते हैं जहां ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत पड़ते हैं उसके किनारे उसके तट पर जो जो देश आए हैं, उस देश को पाताल के, के। सुंदर जी वर्णित किया गया। बोलो श्री प्राणनाथ, जहां बड़ी बड़ी नदियां जाती है जहां बड़े बड़े सागर आज है उसके किनारे उसके तट पर जो जो देश आए उस देश में सुंदर शाह जी अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और गंगा सागर बंगाल की खाड़ी हमने अभी भी सुना ने किनारे जो जो बस्ती जो हुई है सुंदर सा जी अभी बसवाहट कर रही है उसको पाताल कह के, के वैदिक मान्यता में बताया गया है तो पाताल में जो मैंने अभी कपिल मुनि की बात आधी रखी ने और जो सागरों का भी नाम बताया गया है वैदिक मान्यता में हिंद सागर प्रशांत सागर अंध सागर भूमि, भूमध्य सागर हिंद उत्तर सागर हिंद दक्षिण सागर ऐसे जो सात सागरों की जो बात की गई है और सागरों के किनारे जो देश आए हैं वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका और वहाँ जो बस वस, बसने वाले लोग हैं वो शराबी पहले से जो एक मान्यता चलती आ रही शराबी और तमोगुणी लोग और मध्यपान करने वाले लोग है तो वो लोगों के अंदर कोई सात्विकता या सतो गुण नहीं है इसलिए वो लोगों को एक असुर या राक्षस या भूत पिचास के नाम से जाना गया और हम समझते आ रहे हैं कि नीचे पाताल में अतल वितल सुतल में नाग रहते हैं और पिचास रहते हैं भूत प्रेत रहते हैं ऐसा हम समझते आ रहे वो लोगों को वैदिक मान्यता के आधार पर सुंदर आगे हम वैदिक मान्यता पर आगे जाएंगे तो वहां सात स्वर्ग और सात पाताल किस आधार पर बताए गए हैं किस आधार पर वर्णित किया गया है वही हम समझे तो पहले हम छह स्वर्ग को समझ ले पहले हम छह स्वर्ग को समझ लेंगे तो छह स्वर्ग अभी मैंने थोड़ा इशारा तो बीच में आपको दे दिया था कि ये पृथ्वी आठवा लोग नीचे सात पाताल ऊपर छह स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष और दूलोक तीन नामों से जाना जाता है इसमें बीच में मैंने थोड़ा तो बता दिया वो बात के कनेक्ट लेकिन थोड़ा मैं विस्तार करने जा रही हूँ ये पृथ्वी एक ग्रह है एक प्लानेट एक तत्व है पृथ्वी में स्थूल शरीरधारी जो भी प्राणी रह रहे हैं ये सभी पृथ्वी के अंतरिक्ष ही आ जाते हैं पृथ्वी के अंतर्गत ही आ जाते हैं तो आकाश में सूक्ष्म अंतरिक्ष में ये पृथ्वी भी शामिल है कहा है? आकाश तत्व है जो सूक्ष्म तत्व है उसमें ग्रह नक्षत्र जो भी है तारे आज हम देख रहे हैं सूर्य चंद्र उसमें पृथ्वी तत्व भी आ गए और जितने भी स्थूल सरीधारी प्राणी रहते हैं ये सब उसमें आ गए क्योंकि ये भारत भूमि लो या लोक लियो या कर्म भूमि लियो उसको ये पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक या कर्म भूमि ये कर्म या फल भोगने की भूमि है सा जी यहां जैसा हम कर्म, कर्म करते हैं वैसा पुण्यम प्राप्त करते हैं तो ये मृत्युलोक ही कर्म भूमि है मृत्युलोक ही जन्मभूमि है यह मृत्यु लोक ही भोग भूमि है यह मृत्युलोक ही पुण्य प्राप्त करने की भूमि है और यहाँ से ही हम मुक्ति प्राप्त करते हैं तो ऐसे कई असंख्य लोक है भूलोक एक नहीं है पृथ्वीलोक एक नहीं है ऐसे कई असंख्य जहां जहां ऐसे स्थूल शरीरधारी जो प्राणी रहते हैं उसको असंख्य लोक करके वर्णित किया गया है वैदिक मान्यता में तो ये पृथ्वी लोग कहाँ समा गए और नीचे वाला सात पाताल ये भी स्थूल हो गया ने? वहां कोई वसवाट नहीं है मैंने अभी बताया ने। तो ये नीचे वाला सात पाताल और मृत्यु लोग ये आठो आठ आथ कहाँ समाविष्ट हो गए अंतरिक्ष आकाश में सूक्ष्म में समाविष्ट हो गए ना तो पृथ्वी उसमें समाविष्ट हो गई हो गई ने और ऊपर रहा, रहा क्या छह स्वर्ग रहाने रहाने? स्वर्ग ने पृथ्वी ले लिया भूलोक अंतरिक्ष में सब समा गए वो भी आ गया पितृलोक भी, भी तो रहा, रहा कितना छे। छे 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 में क्या, क्या करा रहा? स्वर्ग महर जन तप और सत्य एक ले लिया पांच रहेगा तो पांच में सुंदर साथ जी ये कोई स्वर्ग महर जन तप और सत्य प्रणव की ओम प्रणव हम जिसको नाम ओम प्रणव से जानते हैं ना नीचे ओम प्रणव से ये ओम प्रणव की व्यातियों की भूमिका है ओम प्रणव की व्यातियों है जो स्वर्ग महर जन तप और सत्य लोक से जाने जाता है यह स्थान विशेष नहीं है यह अवस्था विशेष है क्या है अवस्था कैसे के मान लो अभी हमने जा, थोड़ी देर पहले हमने सुना कि यहां से कोई तपस्वी लोग तप करते हैं तो तप लोक में चले जाते हैं ऐसा नहीं लेकिन यहाँ योगी तप करते हैं तो उसकी योग योग साधना में जो एक साधना की एक जो पद्धति बताई है उसमें बताया है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि कितनी समाधि संप्रज्ञात समाधि और समाधि असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि करके भी वर्णित किया गया है असंप्रज्ञात समाधि को योग में योग पद्धति में निर्बीज समाधि समानार्थी नाम है करके भी वर्णित किया गया है तो उसकी ध्यान से सुनान समझ में नहीं आएगा तरह जो संप्रज्ञात समाधि की ऊपर वाला छह स्वर्ग का मैं बताने जा रही हूँ उसमें एक तो हमने भूलोक ले लिया फिर मैं दोहरा रही हूँ पांच स्वर्ग से लेना भूलोक छोड़ दो भूलोक छोड़ दो तो जो पांच लोग की मैंने बात कही कि वो अवस्था की है स्थान विशेष नहीं है तो उसमें पहली समाधि संप्रज्ञात समाधि है उसकी चार अवस्था है योग में बताई चार पहली अवस्था विचारानुगत अनुगत समाधि बीजी विचारानुगत समाधि तीसरी आनंदानुगत समाधि चौथी अनुगत समाधि कितनी समाधि वितर्कानुगत समाधि विचारानुगत समाधि आनंदानुगत समाधि और अस्मिता और अस्मिता अनुगत समाधि उसमें जो पहली समाधि दो है वितर्कानुगत समाधि और विचारानुगत समाधि वो दो समाधि की जो अवस्था है और जीव जब ये पंच महाभूत का शरीर जब छोड़ता है यहां से जीव जैसे उसका संचित कर्म के कर्म कर्म। कर्म आधार पर मैंने अभी बोला ने मुक्ति मिलती है भोग यहाँ करते हैं और कर्म भी यहाँ करते हैं तो उसके बाद उसको जो पुण्य मिलता है वो सब मानते ना कि भाई हमारा जीव यहाँ से गया कोई पितृ बन के गया कोई मानते कि भाई स्वर्ग में गया तो स्वर्गवासी लिखते है इसलिए मैं विस्तार से समझाती हूँ कोई बोलते है कि भाई वही कुट में गया तो वही कुटवासी लिखते है कोई बोले कि भाई वो जीव इससे आगे गौलोक में गया तो गौलोकवासी लिखते है कोई बोलता है कि इसके आगे नारायण में गया तो नारायण या जो भी कोई कुछ लिखते है उसके आगे गए तो कि भाई वहीं अक्षरधाम में गया तो अक्षरवासी लिखते हैं और सुंदर साथ क्या लिखते हैं परम धाम वासी लिखते हैं सुंदर जी यहां समझना है कि यहां से जीव जाएगा तो सूक्ष्म अंतरिक्ष की अवस्था है क्या है योग की सूक्ष्म अंतरिक्ष में जो अवस्था है वो अवस्था योग की पहली जो दो समाधि की मैं अवस्था बताई संपर्कनाथ समाधि की वो अवस्था स्वर्ग तक की है वहां जाकर जीव यह पंच महाभूत का शरीर छोड़ देता है क्या करता है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांच तत्व वाला जो बॉडी हमारा शरीर बना है ये यह शरीर यहाँ छोड़ देता है उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और सूक्ष्म जीव जब यहाँ जाता है तो उसके कर्म के अनुसार उसको सूक्ष्म लोक मिलता है और वहां सूक्ष्म भोग करता है और कैसे करता है जो मैं दो समाधि बताई उसकी जो अवस्था बताई का अनुगत समाधि और विचार अनुगत समाधि उस अवस्था में अपने अंदर की तन मात्रा वो लेकर जाता है यह शास्त्रों में पहले से बताया है सुंदर साहद जी कि जीव जब यह शरीर छोड़ता ध्यान दीजिए सुंदर साहद जी जीव जब यह शरीर छोड़ता तो चार शरीर से जीव की रचना हुई है कितने शरीर से ये पंच महाभूत का शरीर आप जो ज्योत्ना में नाम का देख रहे हो शरीर है उसको क्या बोलते हैं स्थूल शरीर और उसके अंदर और तीन शरीर है और तीन उसको बोलते हैं सूक्ष्म कारण और महाकारण सूक्ष्म बोलते हैं अंदर जो ये नरियांक या कोई माइक्रोस्कोप के यंत्र में दिखने से हम दिखेंगे ने तो दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं सूक्ष्म अंदर का गुण अंग इंद्रिया जो है हमारी इंद्रिया है अंदर की मन बुद्धि और अहंकार वो दिखते नहीं लेकिन हम अनुभव तो करते हैं ना फील तो करते हैं ना महसूस करते हैं उसको सूक्ष्म बोला और अंतस्करण जो अंदर का है मन बुद्धि चित और अहंकार उसको कारण शरीर बोलते हैं और उसके परे रूप जीव क्या बोला महाकाल शरीर जीव उसको बोलते हैं तो स्थूल स्थल शरीर उसके अंदर सूक्ष्म और उसके अंदर कारण शरीर जो इंद्रिया और उसके ऊपर महाकारण रूप जीव तो जीव जब यह पुराना शरीर छोड़ता है तो श्वेता स्वरूप सद में बताया कि जीव जब इस शरीर से निकलता है तो बाल की नोक ये बाल की नोक आग, आगे की थोड़ी सी काट लो उसका दसवा भाग करो दसवा भाग से भी सुंदर साजी करोड़वा भाग अंश करो इससे भी अति सूक्ष्म जीव है जब यहां से निकलता है हम देख नहीं पाते ने? हम पास में बैठे तो भी हम नहीं देख पाते ने? निकलते टाइम कोई किसी के पास में बैठे उसका जीव निकल रहा है तो क्या हम देख पाते इतना सुक्षम जीव जब ये पुराना शरीर शरीर छोड़ने के बाद अगले में जो आने वाली अगली योनि है आगे की जो अगली योनि है उसमें जब प्रविष्ट करता है तो कैसे करता है तो शास्त्रों में बताया कि जैसे एक मकड़ी या एक बटरफ्लाई ले लो वो जब कोई पत्ते पर एक पेड़ के पत्ते पर जब अपना एक पहला पेड़ रखता है और उसके बाद जब दूसरे पेड़ रखने में जाता है रखने के लिए जाता है तो रखने में जितनी देरी लगती है इतनी देर भी इस शरीर में से जीव को निकल कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट करने में देरी नहीं लगती है तो शरीर में से जब जीव निकलता है तो इस शरीर को छोड़कर ये स्थूल को सिर्फ छोड़ता चोड़ है कितने को छोड़ता है एक स्थूल शरीर को छोड़कर तीन शरीर साथ में लेकर जाता है कितना अलग अलग योनियों में अनेक योनियों में तीन में तीन शरीर साथ लेकर जाता है सूक्ष्म कारण और महाकारण यह शरीर कहां तक रहता है सुंदर साधजी महाप्रलय तक कल में बताया था ना समय कल मैंने महाप्रलय होगा तब तक तीनों शरीर साथ में लेकर जीव अनेक योनियों में भटकता रहता है महाप्रलय के बाद जीव अपने शुद्ध अवस्था में जिसको शास्त्रों की भाषा में वेन कहा गया है क्या कहा गया है जीव की शुद्ध अवस्था जो है उसको शास्त्रों की भाषा में वेन कहा गया है वो जीव अपनी शुद्ध अवस्था में नारायण में सुंदर साजी उसका अस्तित्व मिल जाता है और नारायण अक्सर के मन स्वरूप स्वप्न के मन के स्वप्न के स्वरूप उसका अस्तित्व उसमें विलीन हो जाता है तो मैंने जो बात छोड़ी सुंदर साथ जी, के यहां से जीव जब जाता है तो ये तीनों शरीर लेकर जाता है इतना ये सूक्ष्म है तो नीचे मैंने जो पातालो की बात रखी और उसके बाद नीचे वाला सात बातल और ऊपर छह स्वर्ग की बात में करने जा रही थी अभी तो छह स्वर्ग में अपना तन मात्रा है क्योंकि इंद्रिया जाएगी तो तन मात्रा है जाएगे जाएगे। तन मात्रा क्या पांच रूप स्पर्श गंध और शब्द ये पांच जो तन मात्रा है अंदर की है ये तन मात्राओं के साथ निर्विकार होकर वैकारिक मन से नहीं निर्विकार होकर अंतरिक्ष में ये दोनों समाधि की अवस्था में अपना सुख भोगते हैं और आगे की जो अवस्था है जनलोक की तपलोक की और सत्यलोक का जो सुख कोई जीव भोगते मान लो जो विष्णु की भक्ति करने वाले जीव है और विष्णु के अवतार की भक्ति करने वाले जीव है संप्रज्ञात समाधि की दूसरी जो दो अवस्था है उसकी पहली दूसरी की दूसरी जो दो अवस्था है उसका पहली अवस्था का सुख वो लेते हैं कौन जनलोक तपलोक और सत्यलोक में जाने वाले जीव तो ऊपर का छह स्वर्ग भी हो गया हो गया ने हमारे पास दस मिनट बची है तो सुंदर शाह जी और हमें आगे बढ़े उसके बाद एक महाभारत में आदि पर्व में महाभारत में आदि पर्व में एक प्रमाण दिया है कि भीम को दुर्योधन ने विष खिलाकर एक बार गंगा नदी में बहा दिया था तो बहते बहते कहा पहुंचे थे आपने में बंगाल की खाड़ी बताई ने जहां गंगा सागर में मिलती है तो वहां पहुंचे थे और वो भी एक प्रमाण दिया कि पाताल जो आप नहीं मानोगे तो के वैदिक मान्यता जो स्पष्ट कर रही है कि वो बहते बहते वहां पहुंचे तो वहां उसने नागराज वासुकी और आर्यक नाग को उसने देखा था तो आज हम नाग नीचे हम समझते थे ना पहला तो नाग एक जाति है एक मानव जाति को नाग की एक उपाधि मिली है नाग कोई ये सर्प और नाग को हम देखते हैं ना वो नाग नहीं नाग एक मानव जाति को एक नाग की उपाधि मिली है तो सुंदर साथ जी नागराज वासुकी की बेटी पृथा और प्रथा के पुत्र सुरसेन और सुरसेन की पुत्री कुंता कुंता का नाम आप महाभारत में सुनते हो ने तो कुंती के बेटे भीम है ना पांच पांडवों तो कुंती के बेटे भीम तो भीम जब बहते बहते वो गंगा के बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुंचे थे ना सुंदर साहद जी तो वो कोई नहीं सुंदर साहद जी जो मैंने अभी प्रमाण आधा छोड़ा के नागराज वासुकी और, और और उसके बाद आर्यक नाग की जो बात बताई तो नागराज वासुकी और कोई नहीं है जो हमें नाग जाति को हम समझते आ रहे ऐसे एक हम कपी की बात समझते आ रहे हमने हनुमान को बंदर बना दिया ने सुगरी को बंदर बना दिया बाली को बंदर बना दिया वो बंदर नहीं है उसकी एक कपी जाति का नाम था वो एक कपि महापुरुषों की एक जाति का नाम था एक घटना क्रम अतीत में घटा कैसे घटा ये मैं बता दूं सुंदर सा जी पांच मिनट में उसके बाद हम पूरी करेंगे चर्चा को प्रसंग तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन जल्दी जल्दी में थोड़ी बात छूट जाती ना जल्दी जल्दी नहीं कह पाते हम लेकिन यह घटना का हम बता दें कि बंगाल की खाड़ी की जो मैंने अभी बात आधी छोड़ी तो बंगाल में एक नागा पर्वत पड़ते हैं बंगाल में एक नागा पर्वत पढ़ते हैं वहां जो अभी हम नाग जाति के लोगों को पहचानते नाग जाति की पदवी मिली वो अतीत में कोई कोई पतित पापी होने के कारण पाप कर दिया होगा पाप कर्म तो वो कहाँ चले गए थे नागा पर्वत पर रहने के लिए चले गए थे तो उसको एक नाग की उपाधि मिल गई क्या मिल गई एक नाग की उपाधि मिल गई तो आज हम उसको नागराज वासु के नाम से जानते हैं लेकिन वो नागराज वो नाग नहीं जो डंसने वाला जो है, वो नहीं वो भी मैंने समझा दिया और कपी, आज हम बंदर हनुमान को बंदर बना दिया ने हनुमान बंदर नहीं है हनुमान तो सुंदर सा जी वेदों के ज्ञाता है शास्त्रों के ज्ञाता है और सूर्य का विद्या में इतना प्रवीण है और अखंड ब्रह्मचारी हनुमान है और उसने हम, हमने क्या बना दिया बंदर बना दिया वो एक कपी जाति के वा, वाली सुगरी और हनुमान ये सब एक कपी जाति के है ऐसे एक एक मानव की जाति है ऐसे सुंदर साथ जी हम आगे बढ़े तो नीचे वाला सात पाताल हमने ऐसे जो समझा कि ये लोग वहाँ चले गए थे तो उसको एक नाग की उपाधि मिली और नीचे हमने नाग लोग को समझा नाग लोग ये नहीं ये नाग की जाति ऐसी उपाधि से वो जाने जाते थे और एक हम भी समझते आए है कि पृथ्वी पर इक्षु दूध दही घी और सूरा एट शराब के, के समुद्र है जो ये समुद्र होते तो यहाँ दूध दही घी और शराब बनाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं सुंदर शाह जी ये भी वैदिक मान्यता के आधार पर बताया कि अमेरिका में एक मिसिसिपी नदी है उसका जल अमेरिका की मिसिसिपी नदी का जल सुंदर शाह जी ऐसा है कैसा तो के सहद जैसा सहद मतलब मध हमारी लैंग्वेज में भाषा में मध ऐसे एक उसकी अमेजन नदी है उसका जल गन्ने जैसा जैसे हम शेरणी बोलते हैं ना, गन्ने का रस जैसा जल का स्वाद है और ऐसे जैसा कलर वाला जल है सुंदर सा जी ऐसा कोई समुद्र नहीं है समझ गए हम पौराणिक मान्यता से समझते आ रहे हैं ना, कि वहां एक शराब का समुद्र है वहां मध का समुद्र है वहां शहद का समुद्र है ऐसा नहीं है और ऐसे सुंदर साजी मानसौर और हमने अभी अभी सुना ने मानसोर और झील चीन में पड़ता है जो हिमालय के पीछे तो मानसरोवर और झील का जल सुंदर साजी जी एकदम सफेद दूध जैसा है तो उसको दूध बोलते हैं दूध का जल बोलते हैं दूध का सागर बोलते हैं ऐसे आज हिंद सागर उत्तर सागर और हिंद महासागर उसका जल पूरी मौसम तीनों मौसम में समर की हो या सुंदर सजी गर्मी की हो या बारिश की हो या ठंडी की ऋतु में बर्फ जमा रहता है वहां बर्फ की तरह ही जमा रहता है तो बर्फ कैसे रंग का होता है नहीं आसमानी रंग जैसा होता ना तो कैसा घी जैसा कितना कैसा कलर होता है घी तो उसको बोला गी सुंदर शाह जी ऐसे एक अफ्रीका की नदी है अफ्रीका में एक नदी पड़ती है उसका रंग भी शराब जैसा है और उसका सुंदर शाह स्वाद भी शराब जैसा है तो उसको एक शराब का समुद्र बोला लेकिन कोई पृथ्वी पर ऐसे कोई समुद्र नहीं है और जो मैंने समुद्र का नाम लिया के भूमध्य उत्तर सागर दक्षिण हिंद सागर और अंदमा सागर प्रशांत सागर ये सब नाम जो मैंने नाम लिया वही सागर है वो जल के सागर है और खारे जल के सागर है और सुंदरशा जी उससे ऊपर हम अष्टा आवरण को समझते हैं और उसके ऊपर हम क्या समझते हैं सात शून्य और उसके ऊपर हमें नारायण के चार विहु को समझते और नारायण को समझते वो प्रसंग हम कल लेंगे आप चिंतित मत हो हम तीन दिन लगातार कल हम यह प्रसंग पूरा करके एक घंटे में उसके बाद अक्षर और अक्षरा की बात समझा कर त्रिधा लीला आज मैं बता दूं पूरी विस्तार से तीन दिन तक चलती रहेगी कल एक घंटे तक रहेगा और उसके बाद सुंदर साह जी दो घंटे में हम ब्रज के ब्रह्मांड में उतर जाएंगे पहले ईश्क रबध महाकारण तो देख लिया पहले ईश्क रबध और उसके बाद हम सीधे ब्रज के ब्रह्मांड में तो तीन दिन तक लगातार यही लीला चलती रहेगी तो सुंदर जी समय हो गया समय से आगे पीछे हम नहीं जाएंगे यहाँ हम वाणी को विराम देंगे बोलिए श्री प्राण स्वामी श्री लालदासी